एक टाइम था जब नोकिया का बोलबाला था। सबके पास नोकिया होता था, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो या जवान, वो सबको पता था कि नोकिया का हैंडसेट सबसे ज़्यादा दिन चलता था। लेकिन आज का टाइम है, आज तो नोकिया किसी के पास नहीं दिखता। लेकिन हाँ, नोकिया फिर से एंट्री मार रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार नोकिया क्या खास करने वाला है। वैसे कल नोकिया ने अपना नोकिया 8 लॉन्च कर दिया है। इस फ़ोन की क्या है स्पेसिफिकेशन, क्या है प्राइस और इस फ़ोन में क्या खास मिलने वाला है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जस्ट बगल में घंटे का बटन है, यदि इसे आप दबा देंगे तो आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। नोकिया ने कल अपना फ्लैक्सिप फोन लॉन्च कर दिया है। ये उनके लिए फ्लैक्सिप है, हमारे लिए क्या है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। यदि कोई भी फोन अच्छा है तो उसकी स्पेसिफिकेशन सबसे जोरदार होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं, इसमें सबसे पहले है इसकी स्क्रीन साइज। यदि स्क्रीन साइज की हम बात करते हैं तो इसमें आपको 5.3 इंच का HD LCD स्क्रीन मिलने वाली है, जिसका PPI होने वाला है 554। और इसमें आपको कॉर्निका गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलने वाला है। इसका ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है, 700 नाइट्स मिलने वाला है। यदि हम इसके प्रोसेसर की स्नैपड्रैगन का 835 मिलने वाला है, जिसमें आपको एड्रीनो 540 GPU मिलेगा। यदि हम इसकी रैम की बात करते हैं, 4GB रैम के साथ आने वाला है, जिसका स्टोरेज 64GB है और आप इसको 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें आपको सारे के सारे सेंसर मिलने वाले हैं, जो भी इसमें प्रॉक्सिमेट्री सेंसर होता है, बारकोड, NFC, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। यदि हम इसमें एंड्रॉयड का OS की बात करते हैं तो इसमें नॉगट मिलेगा, और हाँ एंड्रॉयड का ओ भी इसमें आएगा ज़रूर। सिंगल सिम, ड्यूल सिम, सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली है। इसका जो मेन फोकस है वो है कैमरा। इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दोनों मिलने वाला है। यदि हम फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, इसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ ये मिलने वाली है कि इसमें एक टेक्नोलॉजी होती है बूथी। अब बूथी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। आप फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा को एक साथ स्क्रीन में देख सकते हैं। यार ऑलरेडी ये पहले से चल रहा है, लेकिन नोकिया के लिए ये कुछ खास है। इसमें जो बैक कैमरा है उसमें नोकिया का पुराना जो चल रहा है कार्लजेस ऑप्टिक्स यूज़ किया गया है। इसमें दो कैमरे लगे हुए हैं, 13 मेगापिक्सल के दो कैमरे, एक कलर है एक ब्लैक एंड वाइट है। वैसे नोकिया कहता है इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होने वाली है। वैसे पहले से भी नोकिया की कैमरा क्वालिटी अच्छी है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर, बारकोड सेंसर, NFC, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। इसमें फास्ट चार्जिंग भी मिलने वाली है। और हाँ, नोकिया ये कहता है कि आप इससे यदि साउंड रिकॉर्ड करते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। यदि हम इसकी बैटरी की बात करते हैं, इसमें आपको 3090 mAh की बैटरी मिलने वाली है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका प्राइस। नोकिया ने जो इसका प्राइस रखा है वो 599 यूरो रखा है। क्या आपको लगता है आप इस फ़ोन को 44,000 रुपये का ख़रीद पाएंगे? वैसे मेरे हिसाब से ये प्राइस सबसे ख़राब है यार। यदि किसी को भी 44 से लेकर 45, 50, 55 तक का कोई भी फ़ोन लेना है तो आईफोन लेगा, सैमसंग का 8 आने वाला है, बहुत सारे फ़ोन लगे हुए हैं लाइन से। इस फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं खास है, लेकिन नोकिया के हिसाब से ये फ़ोन उनके लिए फ्लैक्सिप फ़ोन है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ये फ्लैक्सिप है? यार नोकिया को यदि एंट्री करना है, सबसे पहले ये जानना होगा कि उनके कंपटीटर क्या कर रहे हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता है नहीं नोकिया 8 में कुछ है खास, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।